हेलो स्टूडेंट, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 10 भूगोल का है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय वनों की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि भारतीय वनों की विशेषताओं में कि पर्णपाती वनों को भारत में पर्णपाती वनों की अधिकता पाई जाती है। हमने ये भी बताया था पर्णपाती वन कहते किसे हैं। पर्णपाती वन, पतझड़ वन या मानसूनी वन, तीनों एक ही चीज़ है। पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और नई पत्तियां धारण करते हैं, वही पर्णपाती वन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वनों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं जो निम्न हैं। पहला दिया गया है वनों का कृषि में परिवर्तन। आप देख रहे हैं कि भारत में वनों या जंगलों को काटकर उसको किस में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, कृषि में परिवर्तित, कृषि योग्य भूमि बना दिया जा रहा है, जिससे वनों की प्रतिशतता में भारत में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरी चीज झूम कृषि का जो प्रचलन है, झूम कृषि के अथवा स्थानांतरित कृषि इसे कहते हैं, झूम कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि भी इसे कहते हैं। झूम कृषि क्या होती है कि वनों को काट कर या जला कर उसके राख को फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है, वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है और जब वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसे छोड़कर अगले दूसरे भूभाग पर पहुँच जाकर वहाँ पर फिर वृक्षों या वनस्पतियों को काट कर कृषि कार्य किया जाता है, वही झूम कृषि होती है। तीसरा बिंदु आपका है ईंधन व इमारती लकड़ी की मांग। ईंधन की मांग भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। इमारती जो प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ियां हैं जिनसे हम खिड़कियां, दरवाजे आदि के निर्माण करते हैं, इनकी मांग भी बढ़ रही है, जिसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है। अगला बिंदु आपका आता है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। कुछ स्थानों पर वनों को काट कर उसको चारागाहों में परिवर्तित किया जा रहा है, तो इस तरह से वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो अगला है औद्योगिकरण है, उद्योगों की स्थापना करने में वनों की आवश्यकता या लकड़ियों की आवश्यकता होती है और वे लकड़ियां हमें वनों की कटाई के बाद ही प्राप्त होती हैं, अतः औद्योगिकरण भी वनों के ह्रास का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला बिंदु आपका है वनों के निर्माण, बाधों के निर्माण के कारण, यानी कि बाधों के निर्माण में, यानी कि बाधों का ये निर्माण किया जाता है उसमें भी वनों को काट कर तब बाधों का निर्माण, वहाँ भी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बाधों के निर्माण से भी वनों का ह्रास हो रहा है। और अंतिम बिंदु है रेलवे व राजमार्गों के निर्माण का प्रसार। रेलवे व राजमार्गों के निर्माण के लिए सबसे पहले इन राजमार्गों पर या इनके रास्तों पर जो वन बढ़ते हैं उनको काट कर एक रास्ता बनाया जा रहा है, तो जिससे क्या होता है, वनों का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वनों के ह्रास के कारण में वनों का कृषि में परिवर्तन, झूम कृषि, अगला हमने देखा ईंधन व इमारती लकड़ी की अधिक मांग, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, अगला हमने देखा औद्योगिकरण, अगला देखा बांध के निर्माण में, और अगला बिंदु हमने देखा रेलवे व राजमार्गों के निर्माण से। अगला हम देखते हैं अगला बिंदु वनों के ह्रास से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वनों की कटाई से हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं या हो रही हैं। तो वनों की कटाई से हमें क्या क्या, प्रथम समस्या मृदा का अपरदन, मृदा का कटाव तेजी से बढ़ने लगता है। यदि वनों का ह्रास हो जाता है तो ये मृदा का कटाव क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है, मृदा अपरदन ये सबसे बड़ी समस्या मानी है। अगला आपका आता है वर्षा में कमी, वनों के ह्रास से यदि वनों का ह्रास हो रहा है धीरे धीरे तो वर्षा में क्या हो जाएगा, एक कमी होती रहती है। अगला बिंदु हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, वन जो होते हैं, वन संपदा जो हमारी होती है, ये क्या करती है कि पर्यावरण को संतुलित रखती है, क्योंकि ये क्या हमें ऑक्सीजन, जीवनदायी गैस ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिससे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के गैसें हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है कि वन पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है, वनों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला बिंदु है जल के स्रोतों का सूखना, यानी कि जल का जो स्रोत है वो क्या होता है, धीरे धीरे जब वर्षा नहीं होगी तो स्वाभाविक बात है कि जल के स्रोत का क्या हो जाएगा, सूखना, यानी कि जल के स्रोतों में सूखा पड़ जाए।
अगला और अंतिम बिंदु है कि औषधीय पादप का उन्मूलन, यानी कि जो औषधीय पौधे होते हैं उनका उन्मूलन हो रहा है, और क्या होता है कि हमें औषधीय जीवन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे वे क्या हो जा रहे हैं, समाप्ति की कगार पर हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वनों के ह्रास से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, मृदा का अपरदन होता है, वर्षा में कमी होती है, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जल स्रोतों का सूखना, अगला औषधीय पादप का उन्मूलन हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि वनों के ह्रास के जो प्रमुख कारण हैं उनको हमने पढ़ा, और अगला हमने देखा कि वनों के ह्रास के से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया।